नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, जैसा कि आज के वीडियो में आपको काफी कुछ बदला हुआ दिख रहा होगा। जैसा कि हमने इसके पहले इस चैनल पर कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाया है जिसमें कि हम टॉपिक से हटे हों, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इस बार थोड़े अलग टॉपिक पर बात की जाए। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के बारे में, तो जैसा कि हमारे और आपके ऊपर हिंदी साहित्य का प्रभाव बाखूबी दिखता है और बाखूबी पड़ता भी है। जैसा कि हम देखते क्या है कि जब भी हम किसी वीर रस की कविता कहानी को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वीरता और साहस उत्पन्न होता है, वहीं जब हम श्रृंगार रस पर बात करते हैं तो हमारे अंदर श्रृंगार रस की भावनाएँ उत्पन्न होती हैं। करुण रस की कविताओं और कहानियों को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर करुण रस की भावनाएँ उत्पन्न होने लगती हैं। जैसा कि यह सब है हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का हमारे जीवन पर बाखूबी प्रभाव पड़ा है। यदि वीर रस की बात की जाए तो वीर रस में आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी को तो पढ़ा ही होगा। आपने इसको जितनी बार भी पढ़ा होगा उतनी बार आपको इसमें एक नए साहस, नए वीरता पराक्रम का भाव मिलता है, आपको एक नई एनर्जी मिलती है। ऐसे में जैसा कि आपने कई कहानीकार, उपन्यासकार और कविताकारों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, जैसा कि लेखक जो कहानी, कविता या उपन्यास लिखता है वह टॉपिक को कहीं दूर से सोचता नहीं है, बल्कि वह अपने आसपास की चीज़ों को देख करके प्रभावित होता है और उन्हीं चीज़ों को अपने शब्दों में उतारने का प्रयास करता है। मुंशी प्रेमचंद्र का नाम तो सुना ही होगा। जैसा कि मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, वही मुंशी प्रेमचंद्र जी ने अपने आप में काफ़ी कहानियाँ और काफ़ी उपन्यास लिखा है जो कि आज भी लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। आज भी लोग मुंशी प्रेमचंद्र को पढ़ना और सुनना चाहते हैं। तो जैसा कि मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों और उपन्यासों को जब भी आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि मुंशी प्रेमचंद्र जी ने अपने ही जीवन को अपने कहानियों और उपन्यासों में उतारने का प्रयास किया है। जैसा कि उन्होंने अपने कहानियों में और उपन्यासों में अपने आस पास की चीज़ों का चरित्र चित्रण किया है। जैसा कि आप मुंशी प्रेमचंद्र की किसी भी कहानी या उपन्यास को उठा करके देखेंगे तो आपको उसमें एक अपनापन, गांव की भावना, किसी चीज को देखने और सोचने समझने की क्षमता बाखूबी दिखाई देती है। यही कारण रहा है कि आज भी हम मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियों और उपन्यासों को अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कहानियों और उपन्यासों में अपने समय की घटनाओं को देख करके उसी को कहानी और उपन्यास का रूप दिया और उसमें उन्होंने जिन जिन पात्रों को उस समय अपने जीवन में देखा था उन्हीं पात्रों को अपने कहानियों और उपन्यासों में उनका चरित्र चित्रण किया, जो कि आज भी लोगों को काफ़ी पसंद आता है। जैसा कि कविता, कहानी, उपन्यास के माध्यम से लेखक और कवि अपनी भावनाओं को, उस समय की समस्याओं, उस समय के जीवन में क्या हो रहा था, इसी को उतारने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आज भी हम कई ऐसे लेखक कवि को देखते हैं जिसमें कि हमें आज के समय के अच्छाइयों और बुराइयों को देखने का मौका मिलता है। जैसा कि आपने भी आदम गोडवी साहब की रचना चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको तो आपने सुना या पढ़ा ही होगा। जैसा कि आदम गोडवी साहब ने चमारों की गली तक ले चलूंगा आप में समाज पर एक कड़ा प्रश्न उठाया है। इसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि आखिर किस प्रकार से एक निम्न जाति के ऊपर अत्याचार किया जाता है। तो ऐसे में सभी लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार जो होते हैं वह अपने समय की समस्याओं को, अपने समय में जो भी चीज़ें देखते हैं उसी का चरित्र चित्रण करने का प्रयास करते हैं। कोई उसे कहानी का रूप देता है तो कोई उपन्यास का तो कोई कविता का। ऐसे में उनका मेन मकसद यानी कि उनका मुख्य पर्पज यही होता है कि लोगों को इन घटनाओं के बारे में बताया जाए, जागरूक किया जाए। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए और आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।